गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज का क्लास टाइम हमारा थोड़ा सा अलग है। आई होप कि आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। हाय कपिल, हाय निशा, हाय महेंद्र, हाय क्रांति, हेलो आनंद, हेलो शुभम। तो जितने भी लोग आप लोग लाइव देख रहे हो, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल फेमिनिज्म किया था, और आपको वॉइस प्रॉपरली आ रही है ना? एक बारी मुझे बता दें कि आपको वॉइस प्रॉपर आ रही है। फिर चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर रमा शर्मा ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी आईएएस टीम कवरिंग द सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर वन। एंड वी हैव डन फोर यूनिट्स टिल नाउ, एंड देर आर सम अदर टॉपिक्स विच वी आर डूइंग, एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर 49। सो गाइज, अगर कोई अनअकैडमी एस्पायर के बारे में नहीं जानता है तो मैं उनको बता दूं कि ऑल इंडिया मॉक फ्री टेस्ट है, जो कि अभी 25 नवंबर को होने वाला है सुबह 10 बजे। और इसमें जो टॉप रैंक से टॉप 51 से 50 तक की रैंक जो लेकर आता है लाइव टेस्ट में, उसको आपको एक्साइटिंग प्राइजेस और स्कॉलरशिप मिलती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ अन अकेडमी। आप उसके लिए अभी एनरोल कर सकते हैं, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे इंद्रेश। हाय रीना, हाय बर्नाली मेधी, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि ये टाइम अच्छा है, इस टाइम पर काफ़ी लोग अगर ज्वाइन कर पाते हैं, तो डेली हम यही टाइम रख लेंगे फिर। बट इस टाइम पे मेरे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि मेरी बेटी जो है उसका टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो गाइस, जितने भी लोग अभी लाइव ज्वाइन किए हुए हैं, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। हाय पूनमी, तो चलिए अनअकैडमी पर नया कोर्स अभी शुरू हुआ है 9 नवंबर से। हिंदी में भी कोर्स है, बाइलिंगुअल भी कोर्स है, इंग्लिश में भी कंप्लीट कोर्स है, प्रिपरेशन बैच कोर्सेज हैं। आप इसके लिए अनअकैडमी को जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, जो कवर कराएंगे आपका फुल सिलेबस और आपको प्रिपेयर करेंगे टू 2021 के एग्ज़ाम के लिए। हाँ, बहुत लेट हो जाएगा, 11 बजे का टाइम ही ठीक है। और आपकी मेंस की, प्री की, हर तरीके की प्रिपरेशन आपको करा के देंगे टिल इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फायदे हैं गाइस, लाइव टेस्ट सीरीज मिलती हैं आपको, यहाँ पर रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो आई जस्ट फॉरगॉट टू लॉक द डोर और मेरी बेटी आ गई, ठीक है। तो काफ़ी सारे फायदे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए, ऐसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपकी जो भी मतलब स्क्रैच से आपको कवर करा के देगा यूपीएससी की प्रिपरेशन तक के लिए। अगर आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। आप साथ ही साथ स्टडी आईएएस कोड को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, ठीक है। रेफरल कोड की जगह पर आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं गाइज। चलिए, और T20 डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है, फ्री टेस्ट सीरीज़ है, ये तो बहुत ही बेनिफिशियल है। मैंने आपको हमेशा से बोला है कि अगर आप देखिए 20 क्वेश्चन डेली करते हो, और अगर आप महीने में 30 दिन लगातार ये टेस्ट सीरीज़ देते हो, तो फ्री है एक तो ये, आप 600 क्वेश्चंस जो हैं आप कवर कर पाएंगे 30 दिन में, ठीक है। तो मंथली करंट अफेयर्स जो है वो आपका यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। और पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, जीएस पेपर वन में 100 क्वेश्चंस। अगर आप 6 महीने के भी लगातार कर लोगे ना, तो 6×6=36, 3600 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर के हो जाएंगे रेडी। तो डेली का न्यूज़पेपर पढ़ें और साथ ही साथ ये सीरीज़ भी दें, कम्प्लीटली फ्री है। टेस्ट एनालिसिस भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करा रहा है, जो कि फ्री है। अनअकैडमी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ज्वाइन करने के लिए आप इन इन चैनल्स पे अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर। अलग अलग चैनल्स के नेम आपको दिए गए हैं, जहाँ पर आप अनअकैडमी के
कम्युनिटी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्टडी आईएएस का ये ऑफिशियल नंबर है, कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रिपरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो वो ट्राई किया जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए। इट्स वेरी गुड मेधी। हाय स्वाति, हाय नीरज। तो हम अभी तक कर रहे हैं हम मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ। कल से आपकी यूनिट नंबर 5th स्टार्ट हो जाएगी। तो कल की जो लोग आज की क्लास कर रहे हैं, कल की क्लास 11 बजे सुबह होगी, तो आप यूनिट नंबर 5th के लिए प्रिपेयर हो जाइए। अब कौन सी यूनिट स्टार्ट होगी वो आपके लिए एक सरप्राइज है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। तो अभी हम ये सब चीज़ें कर चुके हैं कि जो हमारी सोशियोलॉजी होती है वो दो तरीके से, दो पर्सपेक्टिव पे होती है, ठीक है। एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो में हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं, सोसाइटी को इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और मैक्रो में हम पूरी सोसाइटी एज अ होल ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो उसमें हमने द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पढ़ी थी, फंक्शनिज्म हम कर चुके हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म हम कर चुके हैं, सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म हम कर चुके हैं, फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी हम कर रहे थे, तो कल हम यही कर रहे थे, एथिक्स भी। अच्छा, अब एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकते हूँ मैं, अभी तो टाइम नहीं है एक्चुअली। तो सोशियोलॉजी में हमने ये कल देखा था कि आपका फेमिनिज्म क्या है। हमें ये पता है कि सोसाइटी जो रही है स्टार्टिंग से, प्रिमिटिव सोसाइटी भी जो रही है वो हमेशा मेल डोमिनेटेड रही है, तो वहाँ पे फीमेल्स का ऑपरेशन बहुत हुआ है। ऑपरेशन का मतलब ये है कि ऑपरेशन का में होता क्या है, आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होती, ठीक है। अगर कोई आपको ऑपरेस कर रहा है और उसने आपको बोला कि आपको चाय पीनी है, कॉफ़ी नहीं पीनी है, तो आपके पास चॉइस ही नहीं है। अगर आपको चाय पीनी है तो पियो, नहीं पीनी है तो मत पियो, और अगर हद से ज़्यादा ऑपरेशन होगा तो मतलब अगर नहीं भी पीनी है तो भी आपको पीनी पड़ेगी, ठीक है, हुक्म आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन का मतलब है कि आपके पास कोई भी चॉइस अवेलेबल नहीं होती है ऑपरेशन के केस में। तो फीमेल्स के पास भी कोई चॉइस नहीं होती थी पहले। तो कल हमने ये सब देखा था, बेसिक क्वेश्चंस क्या थे, फिर वेव्स क्या थी, बेसिक क्वेश्चंस के आंसर कैसे मिले, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव्स, अलग अलग जो डेवलपमेंट हुआ सोशियोलॉजी का, उसमें फीमेल्स के कॉन्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया या किस तरीके से इरेज कर दिया गया सोशियोलॉजी के भी अंदर, ठीक है। तो वो भी क्या है, फेमिनिज्म की वहां से, मतलब कि आप फीमेल्स को क्रेडिट नहीं दे रहे हो सोसाइटी के अंदर, ठीक है। सोशियोलॉजी मतलब एज अ सोशियोलॉजिकल एनालिस्ट भी आप फीमेल्स को तवज्जो नहीं दे रहे हो। तो फर्स्ट वेव करी थी, सेकंड वेव करी थी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड वेव के बीच में 40 साल का गैप था। क्यों था ये 40 साल का गैप, क्योंकि उस बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए थे, और उस टाइम पर क्या हुआ कि ये मतलब ग्रेट डिप्रेशन और आपका जो कोल्ड वॉर है उसकी वजह से क्या हो गया, ये फेमिनिज्म की जो लहर उठी थी वो वहीं की वहीं दब गई। फिर सेकंड वेव आई जो 1960 के बाद आई, ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके थे तब तक यूएस की सोसाइटी, तो स्पेशली बहुत ज़्यादा यूएस और यूके वगैरह, ब्रिटेन वगैरह तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके थे तब तक, और इंडिया भी आज़ाद हो चुका था 1948 में, और हमारे यहाँ पर फीमेल्स के रोल जो हमारे नेशनल मूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा थे, और धीरे धीरे करके फेमिनिज्म की एक लहर आ रही थी। फिर एक तीसरी लहर आई, तो तीसरी लहर तो अभी भी चल रही है, फेमिनिज्म के बारे में अभी भी लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, इक्वल राइट्स देने की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, तीसरी लहर जो है वो अभी भी चल रही है, ठीक है जी। इतना समझ में आया सबको, हाय पूजा। सो अब टाइपोलॉजी हमने कर ली थी, टाइपोलॉजी में 5 तरीके का हमने चीज़ें पढ़ी थी। वो मेजर क्वेश्चन क्या है, व्हाट अबाउट द विमेन, ठीक है। तो जेंडर डिफरेंस, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर ऑपरेशन, विमेन्स एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंस, इनइक्वालिटी, ऑपरेशन, ये सब हमने किया था, ठीक है। तो जो मेजर फोकस है थर्ड वेव फेमिनिज्म का क्या है कि क्वेश्चन करता है कॉन्सेप्ट ऑफ विमेन को, ठीक है, कि विमेन्स का कॉन्सेप्ट क्या है सोसाइटी के अंदर, उनका मतलब एक रोल क्या है सोसाइटी के अंदर। तो थर्ड वेव जो है वो आज भी यही चीजें, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपको दिलाने की कोशिश कर रही है ये जो थर्ड वेव है। तो ये सब हमने कर लिया था, अब हम करेंगे आज के ये फेमिनिज्म के बारे में। मैंने आपको बताया था कि आप अपने आंसर को कैसे स्टार्ट करोगे, स्टार्ट आप वैसे ही करोगे कि सोसाइटी जो है हमारी मेल डोमिनेटेड रही है, इस वजह से क्या है विमेन्स हमेशा ऑप्रेस्ड रही हैं। देन फिर फेमिनिज्म एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो बिलीव करती है कि विमेन शुड हैव इक्वल राइट्स टू मैन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होने शुरू हो गए, जिनकी अब इक्वल राइट्स दिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देश में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वल राइट्स होने चाहिए, जो चीज़ें संविधान के अंदर होती हैं वही चीज़ें लीगली फॉलो करी जाती हैं, ठीक है।
अपने यहाँ तो ऐसा भी होता है कि संविधान के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लीगल चीजें ऐसी हैं जिनको हम फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मतलब आपके रूल्स ऑफ द रोड क्या कहते हैं कि अगर आपकी रेड लाइट है तो आपको सड़क क्रॉस नहीं करनी, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि सुबह के 4 बजे हैं, रेड लाइट हो गई है लेकिन सड़क पे कोई नहीं है, तो आप रेड लाइट को कहाँ फॉलो करते हो? तो बेसिकली जब रूल्स जो लीगल रूल्स हैं उन्हीं को कोई फॉलो नहीं करता, तो अगर लीगल रूल्स नहीं होते तो क्या फेमिनिज्म इतना इस्टेब्लिश हो पाता, ये आइडियोलॉजी इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाती। तो बेसिकली सबसे पहले इक्वल राइट्स दिलाने के लिए क्या किया गया कि पहले तो कॉन्फ्रेंस करी गई 1948 में, और 1960 में आपको विमेंस को वोटिंग के राइट्स मिल गए थे यूएस के अंदर। ठीक है, तो 1920 में शायद 1848 में आपको, मतलब मैंने शायद लिखा भी था फर्स्ट वेव के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हाँ आपको कब मिले थे भाई विमेंस को राइट, विमेंस को राइट कब मिले थे, राइट टू वोट कब मिला, राइट टू वोट मिला आपका, राइट टू को वोट कब मिला, सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उस ऑर्गेनाइजेशन के बाद में उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, राइट टू वोट एक्टिविज्म किया। ठीक है, एक्टिविज्म में बहुत ज़्यादा राइज हुआ, तो ये सारी चीज़ें हुई थी अपने इधर यूएस में। तो अब है क्या कि ये सारी चीज़ें क्या है, आप थर्ड वेव अभी भी चल रही है, तो मेजर पर्सपेक्टिव क्या है, डेफिनेशन आप कर सकते हैं, मैंने आपको कल भी बताई थी ये। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की तरह फेमिनिज्म जो है वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से थोड़ा सा अलग है। फेमिनिज्म जो फोकस करता है वो फोकस करता है माइक्रो लेवल रिलेशनशिप्स पे। ठीक है, इनिशियली माइक्रो लेवल रिलेशनशिप्स पे ये फॉलो करता है एवरीडे लाइफ पे। ठीक है, जैसे कि इंटरेक्शनिज्म करता है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म करता है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो आपका स्पेशली मैक्रो पर्सपेक्टिव है। तो अब आज की डेट में जो आपका फेमिनिज्म है उसे आप माइक्रो भी बोल सकते हो और मैक्रो भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो, लेकिन इनिशियली और मेजरली ये माइक्रो पर्सपेक्टिव को देखता है। ठीक है, तो फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिज्म थ्योरी इज वन ऑफ द मेजर सोशियोलॉजिकल थ्योरीज विच एनालाइज द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड मैन इन सोसाइटी। ठीक है, वुमेन का भी और मैन का भी। सो दे डू दिस विद द एम ऑफ बेटरिंग वुमेन्स लाइफ, औरतों की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए क्या है, एक मुहिम है फेमिनिज्म, एक आइडियोलॉजी है। ये क्या करती है, औरतों को एक आवाज देती है, आवाज देने का काम करती है, मतलब उनकी वॉइस बनती है, गिविंग अ वॉइस टू वुमेन एंड हाउ वुमेन हैव कंट्रीब्यूटेड टू सोसाइटी। ठीक है, किस तरीके से वो अपने परिवार में कंट्रीब्यूट करती हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करती हैं। बेसिकली अब हम टाइप्स की बात करें तो 4 तरीके के टाइप होते हैं फेमिनिज्म के। वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, मैं आपको अभी एक गूगल पे मैंने देखा था एक आर्टिकल दिखाऊंगे, वो एक पेपर है शायद, तो पब्लिश पेपर है, तो उसमें बहुत सारे टाइप्स लिखे हुए हैं, बट मेजरली जो होते हैं वो मेन 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अब वो होते कौन कौन से हैं, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म एंड एक डिफरेंस फेमिनिज्म। ठीक है, जहां पर आपका रेसिज्म वगैरह ये सारी चीजें देखते हैं। सो लिबरल फेमिनिज्म में क्या होता है, बेसिकली इट आर्ग्यूज दैट नोबडी इज बेनिफिटिंग फ्रॉम इनइक्वालिटीज एंड दैट जेंडर इक्वालिटी लाइज विद कल्चर रादर देन द स्ट्रक्चर। ठीक है, 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, एक होता है आपका कल्चरल सिस्टम, ठीक है, जहां पर जो आपको देता है गोल्स, जब हम वो कर रहे थे पिछला टॉपिक खत्म कर रहे थे, और एक होता है आपका स्ट्रक्चरल सिस्टम जो आपको प्रोवाइड करता है मींस। ठीक है, उन गोल्स को फुलफिल करने के लिए मींस आपको देता है। तो बेसिकली जो जेंडर है, ठीक है, जो जेंडर इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर है, मैन और वुमेन के बीच में ये जो फर्क है, ये आपको कल्चर ने ज्यादा दिया है, स्ट्रक्चर ने कम दिया है। ठीक है, कल्चर ने ही ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जहां पर विमेंस को कमतर आंका जाता है मेंस की अपेक्षा। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे कि मनुस्मृति का अगर आप एग्जांपल लोगे, जब हम इंडियन सोशियोलॉजी कर रहे होंगे, जब हम पेपर 2 कर रहे होंगे, तो ये फेमिनिज्म को हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, अब वेट करिएगा उस दिन तक का, और उसमें मनुस्मृति का बहुत रोल है, क्योंकि अगर हम बात करें जैसे हाँ यहाँ पर बोला गया लिबरल का मतलब क्या होता है, जो मतलब बहुत ज्यादा इजी गोइंग हो, ठीक है, बहुत ज्यादा रिजिड ना हो, तो लिबरल फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं कि किसी का भला नहीं हो सकता, नोबडी इज बेनिफिटिंग फ्रॉम इनइक्वालिटीज। अगर आप समाज में एक इनइक्वालिटी की मतलब भेदभाव की प्रक्रिया रखेंगे, भेदभाव का कल्चर रखेंगे, तो समाज का कभी किसी का, समाज में कभी किसी का भला नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी होती है इसमें, जेंडर इनइक्वालिटी, मेल और फीमेल के बीच में इनइक्वालिटी। भगवान ने मतलब पूरे प्रकृति में आपको दो ही
आपको वो मिलेंगे ह्यूमन के अंदर, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। इवन अगर आप एनिमल्स में भी देखोगे तो एनिमल्स में भी एक मेल होगा एक फीमेल होगा। तो जब प्रकृति ने दो चीजें बनाई हैं, दो किरदार बनाए हैं, दो कैरेक्टर्स बनाए हैं, तो दोनों कैरेक्टर्स में जब प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया, ठीक है, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। और ये जो भेदभाव है वो हमें कल्चर करके देता है, किसी भी सोसाइटी का कल्चर आपको बताता है कि वहां पे विमेंस की क्या पोजीशन है। जैसे कि अगर आप बात करें नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में काफी सारी जगह ऐसी हैं, जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज में भी क्या होता है, वहां पे फीमेल्स को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, बहुत इक्वालिटी होती है ट्राइबल्स में। और जैसे मणिपुर है, मेघालय है, वहां पर फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो मेरे हिसाब से ना तो सोसाइटी मेल डोमिनेटेड होनी चाहिए, ना ही फीमेल डोमिनेटेड होनी चाहिए। दोनों ही सोसाइटी में किसी की डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए, दोनों का इक्वल रोल होना चाहिए। तो अब निशा बोल रही हैं, जैसे लोअर कास्ट की पुअर कंडीशन थी तो उनको रिजर्वेशन मिला, इस पर्सपेक्टिव से विमेन की तो और भी खराब कंडीशन थी, उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला। ठीक है, तो अब देखो आप जनरल क्लास को छोड़कर आप ये देखिए ना कि आपके पास सबके पास पहली बात तो रिजर्वेशन है, ओबीसी एससी एसटी सबके पास रिजर्वेशन है, ठीक है, माइनॉरिटीज के पास में रिजर्वेशन है, जब बस से एक जनरल क्लास के पास नहीं है। दूसरा, इंडिया की अगर आप बात कर रहे हो रिजर्वेशन की, तो जो इंडिया में जो रिजर्वेशन का सिस्टम है ना, हमारे यहाँ पर शुरुआत से मेल और फीमेल का इतना ज्यादा पंगा नहीं है जितना ज्यादा कास्ट का पंगा है। ठीक है, जैसे कि अभी आपने रामायण में भी एक चौपाई है कि एक वो है ना चौपाई जिसमें ये बोला जाता है बालक पशु शूद्र और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ठीक है, जहां पर बच्चे को कंट्रोल में रखने की बात करी गई है, ठीक है, जानवर को, बालक पशु, मतलब मुझे एक्चुअली नहीं याद, मतलब मेरे को बस इतना याद है सकल ताड़ना के अधिकारी, जिसमें फीमेल का भी है, शूद्र और नारी। ठीक है, शूद्र मतलब एससी एसटी जो कास्ट में आपसे कमतर है, लोअर कास्ट है, और नारी, ठीक है, फीमेल, चाहे वो अपर की हो चाहे लोअर की हो। शूद्र में भी जो शूद्र में जो मेल होगा वो शूद्र की फीमेल से, ठीक है, शूद्र की फीमेल को ऑपरेस कर रहा होगा। ठीक है, तो समाज में किसी भी घर में चले जाओ, अपर कास्ट हो लोअर कास्ट हो, वहां पर फीमेल का ऑपरेशन होगा ही होगा। लेकिन अपने यहाँ पर जो कल्चर रहा है ना, वो कास्टिज्म का ज्यादा रहा है, तो जो रिजर्वेशन आया है ना वो कास्टिज्म से निकल के आया है। और आज की डेट में भी देखो अभी होता क्या है ना, एक अंबेडकर से कुछ नहीं होगा। अंबेडकर ने एससी एसटी के लिए बहुत किया, लेकिन उनकी जो बातों को क्या आज भी आप फॉलो करते हो? अगर अंबेडकर ने एससी एसटी के लिए इतना सब कुछ किया तो आज भी एससी एसटी का ऑपरेशन नहीं हो रहा होता। आपने आर्टिकल 15 देखी होगी आयुष्मान खुराना की, ठीक है, आर्टिकल 15 देखी होगी आपने, आरक्षण मूवी देखी होगी, ठीक है, जिसमें अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान ये सब हैं। तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर की सब बात मान रहे होते तो ये सब चीजें आज भी नहीं होती। ठीक है, अरे आप प्री वैदिक एरा की जो बात कर रहे हो, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि कार्येषु दासी, कार्येषु दासी पूज्येषु लक्ष्मी, जो आप बात कर रहे हो ना वो यहां पर लिखी हुई है, कार्येषु दासी पूज्येषु लक्ष्मी भोगेषु रंभा, मतलब सॉरी शयनेषु रंभा और भोजेषु माता। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था कि मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि एक औरत को दासी की तरह काम करना चाहिए, ठीक है, लेकिन लक्ष्मी की तरह उसकी पूजा भी होनी चाहिए, एक एज अ पार्टनर, एज अ पार्टनर वो रंभा जैसी होनी, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, और एज अ मतलब जो आपको फीड कर रही है तो एज अ माँ की तरह वो आपको फीड करे, चाहे अपने बच्चों को कर रही है, सास ससुर को कर रही है, ननद देवर को कर रही है, पति को कर रही है, किसी को भी खाना खिला रही है, तो माँ जैसी ममता होनी चाहिए उसके खाने में।
तभी तो कहते हैं कि अगर आप बिना मन से खाना बनाओगे ना, अगर आप, तो वो खाना किसी को लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि खाने में, आप बहुत लोग मानते हैं इस चीज को कि खाने में भी प्यार होता है, प्यार से अगर खाना बनाओगे तो वो लगेगा शरीर को। तो कहने का मतलब ये है कि हमने, हमारी सोसाइटी ने ये जो तीन बातें हैं ना, कार्येषु दाशी, शयनेषु रम्भा और भोजेषु माता, ये तीनों तो हमने फॉलो करी, लेकिन हम ये भूल गए कि पूज्येषु लक्ष्मी, कौन पूजा करता है, मतलब पहले कौन पूजा करता था। आज तो फिर भी बहुत बहुत फैमिलीज ऐसी हैं जहां पर थोड़ी इक्वेलिटी है, ठीक है, मानते हैं घर की बहू बेटियों को, बेटी को भी मानते हैं, बहुओं को भी मानते हैं, लेकिन कार्येषु दाशी, शयनेषु रम्भा, पूरे दिन काम करो और शयनेषु रम्भा, माता की तरह खाना खिलाओ। तो वही सब चीजें हैं कि ये सब हमारे कल्चर में लिखी हुई है। अगर ये चीज मनुस्मृति में नहीं लिखी हुई होती तो आज शायद विमेंस की कंडीशन ऐसी नहीं होती। अभी केबीसी में एक क्वेश्चन आया था जिसके ऊपर काफी बवाल हुआ, कि केबीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से किस किस रिलीजियस टेक्स्ट को बाबा साहेब अंबेडकर ने जला दिया था, और उसमें चार ऑप्शन दिए गए, ठीक है, चारों ऑप्शन में क्या ऑप्शन थे, एक में कुरान था, एक में बाइबल, सॉरी चारों, यहाँ विवाद इस चीज पे हुआ था कि चारों ही ऑप्शन हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट के थे, ठीक है, चारों ही ऑप्शन हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट के थे। तो इस चीज पर बवाल हो गया कि सारे तुमने हिंदू के ही क्यों डाले, भाई आप कुरान भी डाल सकते थे, बाइबल भी डाल सकते थे। लेकिन मेरा तर्क उसमें यह था, क्योंकि बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जलाया था, तो मेरा तर्क उसमें यह था, आपकी अपनी सोच हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है, मैं किसी की सोच को गलत नहीं बोल रही, लेकिन मेरा तर्क यह था कि अगर जैसे कि हम सभी को पता है कि भीमराव अंबेडकर जो है वो सामाजिक प्रवृत्तियों के खिलाफ लड़ते थे, ठीक है, जो सोशल इविल्स हैं उनके खिलाफ लड़ते थे, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो ऑप्रेस्ड क्लासेस हो, ठीक है, बेसिकली सबसे ज्यादा तो उन्होंने SC ST के खिलाफ काफी सारी चीज, मतलब उनपे जो अत्याचार हुए उनके खिलाफ काफी कुछ बोला। तो बेसिकली ये सब चीजें ना हिंदू कल्चर में मनुस्मृति के अंदर लिखी हुई है, ये सारी चीजें, इसीलिए उन्होंने, और उस टाइम पे लोग मनुस्मृति को बहुत मानते थे, आज तो किसी के घर में ये बुक होगी भी नहीं, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा माना जाता था कि जो हमारे समाज का जो वर्गीकरण है, जो स्ट्रेटा है आपकी सोसाइटी का, इंडियन सोसाइटी का, वो मनुस्मृति पे बेस्ड है, जहां पर आपको ब्राह्मण, ठीक है, जहां पर आपको क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सब भी डिफाइन किया गया है, जहां पर फीमेल्स की कंडीशंस को डिफाइन किया गया है कि फीमेल ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये सारी, इस वजह से उन्होंने मनुस्मृति, अगर आप उसमें कुरान और बाइबल डाल दोगे तो आपको भी पता है कि बाबा साहेब ने तो SC ST के लिए इतना सब कुछ किया था, तो कुरान और बाइबल से तो उनका कोई मतलब नहीं होगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए ऐसा किया गया था, बट एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी उस चीज को लेकर थोड़ा सा ऑफेंसिव हो गए कि सब कुछ इन्होंने हिंदू रिलीजियस टेक्स के बारे में ही क्यों लिखा। खैर छोड़िए उन सब बातों को, तो अभी तक हमने अपने टाइप शुरू नहीं किए हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी ओवर विदाउट, सॉरी डिस्क्रिमिनेशन को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, ओवरकम ये हो सकते हैं विदाउट रिवॉल्यूशनरी चेंजेस बट विद लेजिस्लेशन, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज के लिए रिवॉल्यूशन करना पड़े, आप लेजिस्लेटिव चेंजेस कर सकते हो। अरे भाई यहाँ पर हम बाबा साहेब की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बात कर रहे कि वहां बुरका सिस्टम है और वहां दूसरा फलाना ढिमकान सिस्टम है। हम क्वेश्चन जो आया था मैंने आपको उसका बेस बताया है, ठीक है, हम यहाँ पर बाबा साहेब की बात कर रहे हैं। हर समाज में, हर रिलीजन में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, क्योंकि रिलीजन किसी भगवान ने नहीं बनाए हैं, ये इंसान ने, हमारी सोसाइटी ने बनाए हुए हैं, आप इस चीज को समझो, ठीक है, हम ही लोगों ने सोशल सिस्टम को एक थोड़ा एक डायरेक्शन देने के लिए बाकी काफी सारी चीजें बनाई हैं। अब ये जो रिलीजन्स हैं ये उस टाइम के बने हुए हैं जिस टाइम की सोच आज की सोच के हिसाब से नहीं है, और उन चीजों को अगर हम आज की डेट में फॉलो करेंगे तो सोशल चेंज कभी आ ही नहीं पाएगा। सोसाइटी में चेंज क्यों हो रहा है, पहले बेटे और बेटी को बराबर नहीं मानते थे, बेटे और बेटी को, लेकिन आज की डेट में बेटे और बेटी को बराबर मानते हैं, जिनके बेटे नहीं होते वो बेटियां होती हैं उनकी, वो प्राउडली कहते हैं कि हाँ हमारी बेटी है, हमें बेटे की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले टाइम में ऐसा नहीं होता था। एग्जैक्टली निशा, हाँ मान, अब देखो हर किसी का अपना बिलीव है, अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप भी मान सकते हो। बेसिकली लिबरल फेमिनिस्ट जो थे वो कहते थे कि ओवरकम, अगर आप सोसाइटी में से डिस्क्रिमिनेशन को तभी ओवरकम कर सकते हो कि जब आप रेवोल्यूशन चेंजेस की जगह आप लेजिस्लेशन में चेंजेस करो, अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हो तो
जरूरी नहीं है कि रिवॉल्यूशन के साथ ही चेंजेस आए, आप संविधान में चेंज करिए, जैसे कि सेक्स डिस्क्रिमिनेशन करो, ठीक है, सेक्स में डिस्क्रिमिनेट मत करो, मेल्स और फीमेल्स में डिस्क्रिमिनेट मत करो, तो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एक्ट आई, इट हैज हैड द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स लाइफ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैरिटल रेप वॉज नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्राइम इन यूके अंटिल 1991. इवन इन इंडिया अभी तक भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, अभी तक भी इस पर चल रहा है ये, मतलब ये भी अभी अंडर कंसिडरेशन है. और यूके के अंदर 1991 में इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया था कि अगर कोई एक मैरिड कपल है और उस मैरिड कपल में अगर वो होता है ना, नो मीन्स नो, आपकी वाइफ है, ठीक है, आप एक रिलेशन में हो, ठीक है, आप एक फिजिकल रिलेशन में भी हो, ठीक है, लेकिन इफ वन डे द लेडी और द फीमेल सेड नो, ओके, सो नो मीन्स नो, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, अगर आप जबरदस्ती करते हो तो वो मैरिटल रेप के कंडीशंस में आएगा. लेकिन आज की डेट में भी हमारी सोसाइटी इस चीज को नहीं मानती है. आज की डेट में भी हमारी सोसाइटी क्या कहती है, ये दोनों मियां बीवी के बीच की बात है, अगर ऐसा होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अरे क्यों, जब आप कह रहे हो नो मीन्स नो तो फिर क्यों क्यों आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो. तो ये सोशल इविल अभी भी है जिसको 1991 में, लाइक आज से 30 साल पहले यूके भी मान चुका है, ठीक है, वहां पर अभी मैरिटल रेप के लिए प्रावधान हैं, उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज है, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं है. इवन आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मतलब इट्स अ रियल फैक्ट कि मतलब रिसेंटली मेरी ही सोसाइटी में ऐसा एक केस हुआ है, एंड देन पुलिस केम, ठीक है. तो अब बात करते हैं फेमिनिज्म की दूसरे. तो रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है, सम फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट जो हैं आइडेंटिफाई कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड वुमेन इन सोसाइटी, जेंडर कॉन्फ्लिक्ट जिसको बोला जाता है, एज देयर मेन कंसर्न्स, ठीक है. तो उनको बोला गया रेडिकल. हाँ, इवन अवर, क्योंकि बिकॉज अवर कल्चर इज लाइक दैट ना, गवर्नमेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कल्चर. रेडिकल फेमिनिस्ट कहते हैं ये रूट को देखते हैं प्रॉब्लम की, ठीक है, और प्रॉब्लम की रूट क्या है, मेल पावर, ठीक है, प्रॉब्लम की रूट क्या है, पैट्रियार्की, समझ रहे हो ना, सारी समस्या की जड़ क्या है, हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है वो, तो पैट्रियार्की को एज अ ये मेन प्रॉब्लम, मतलब रूट ऑफ द प्रॉब्लम समझते हैं. तो दे बिलीव दैट दिस इज सीन इन ऑल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कोई भी संस्थान हो समाज का, इन सोसाइटी, फ्रॉम द फैमिली थ्रू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है, जहां पर इवन आज की डेट में भी आप अगर कोई भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है और जब वो अपना बिजनेस को टेक ओवर करता है तो वो अपने सन्स के लिए बोलता है, ठीक है. अब आप कोई भी आज तक भी आप देखोगे तो अगर कोई भी बिजनेस मैन है तो क्या लिखा जाएगा, कुमार एंड सन्स, ठीक है, कुमार एंड सन्स कॉरपोरेटिव कुछ भी यहां पर इंडस्ट्रीज या वॉट एवर, ठीक है, अंबानी एंड सन्स, टाटा एंड सन्स, ठीक है. तो एंड सन्स ही क्यों, why sons, why only sons, why not daughters, कुमार एंड डॉटर्स, टाटा एंड डॉटर्स, अंबानी एंड डॉटर्स. अंबानी ने भी अपना बिजनेस जब टेक ओवर किया तो अपने बेटों को दिया मेजोरिटी शेयर, अपने बेटों को दिया, तो क्यों बेटी को क्यों नहीं दिया. तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो है वो पैट्रियार्की अभी भी चल रही है. इवन अंबानीज आर नॉट फुद्दूस, अंबानीज आर नॉट इलिटरेट्स, अंबानीज आर नॉट लाइक दोज पीपल जो अपने पड़ोसी की बात सुने या उनको फर्क पड़ता हो कि उनकी सोसाइटी क्या बोलेगी. लेकिन दो अंबानी एंड सन्स, मानते हो इस चीज को. तो ये क्या है, ये हमारे मेल पावर या पैट्रियार्की जो है वो फैमिली में भी है, वर्ल्ड ऑफ वर्क में भी है, ये हर जगह है, ठीक है, और इससे हम नहीं निकल सकते हो. और इससे जो निकलते हैं ना उनको क्या बोला जाता है कि ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स. अभी अगर एक इंसान इस चीज से बाहर निकलेगा तो उसको समाज में एक बहुत बड़ा सिंबल माना जाएगा, उसको एक एग्जाम्पल की तरह सेट किया जाएगा. लेकिन अगर समाज के 90% लोग ही ये करेंगे तो फिर वो स्टीरियोटाइप कहाँ रहेगा, ठीक है, फिर तो वो एक कॉमन चीज हो जाएगी, सन्स आर इक्वल देन डॉटर्स, सन इज इक्वल देन डॉटर. तो कहने का मतलब ये है कि आपको दोनों को बराबर करना पड़ेगा पूरे सिस्टम में.
हाँ आनंद वॉज आनंद इज राइट, डॉटर्स के नाम से अभी एक फेमस हुआ था। सो तीसरा आता है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। तो मार्क्सिस्ट का तो आपको पता ही है, मार्क्स का कहना क्या है कि कैपिटलिज्म जो है वो फेमिनिज्म की, मतलब कैपिटलिज्म जो है वो जड़ है, जहां पर फीमेल्स को ज्यादा ऑप्रेस किया जा रहा है। वर्क टाइम पर उनको क्या किया जाता है, वर्क टाइम पर उनको एज अ लेबर जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो ऑप्रेस करती है, और फिर घर पे जाके, क्योंकि हमारी सोसाइटी क्या है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो उसका हस्बैंड या उसकी फैमिली के जो मेल्स है वो विमेन को, विमेन का क्या है, डबल एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, तो मार्क्सिज्म ने, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि विमेन का क्या होता है, डबल एक्सप्लॉयटेशन होता है, वर्क प्लेस पे भी होता है और घर पे भी होता है। आज के डेट में भी अगर कोई विमेन काम कर रही है और मैरिड है, तो वो पूरे दिन अगर काम करके आती है तो आके उसको खाना बनाना, या फिर हो सकता है घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो, सास वास हो या दादी सास हो या कोई भी हो, ठीक है, तो उसको घर के काम भी करने पड़ते हैं। और वहीं पर अगर एक लड़का ऑफिस जॉब, ऑफिस से जॉब करके आ रहा होगा, तो वो आते ही मतलब पसड़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी, मतलब ये 90% ऑफ फैमिलीज का यही सीन है। सो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट सी द बिग प्रॉब्लम स्प्रिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट वेमेन लुक आफ्टर मैन हु वर्क इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम। ठीक है, वेमेन क्या करती हैं, अपने उस पति की या भाई की या पिता की देखभाल करती हैं, या बेटे की, जो कि किसी एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में काम कर रहा है। और अगर वेमेन भी वर्क कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा, वेमेन के काम को मैन के काम से लेस इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, नहीं एग्जैक्टली। आप ये देखो ना कि अगर आपके मतलब ससुराल में अगर आपको कोई इस तरीके से बोल रहा है या सब कुछ कर रहा है, नो डाउट आप रेस्पेक्ट करो, आप जवाब पलट के मत दो, आप हार्श लैंग्वेज का यूज मत करो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका मतलब एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो रहा है या आपको बहुत ज़्यादा सुनाया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, तो पेरेंट्स को अपनी बेटियों को इतना ज़्यादा एम्पावर करना चाहिए कि वो अपने लाइफ के लिए, मतलब वो ये ना देखें कि मैं मतलब मेरे फादर या मदर मेरे को सपोर्ट करेंगे या मेरे भाई सपोर्ट करेंगे तभी मैं उनको बताऊंगी, अगर मेरे पेरेंट्स या मेरे भाई या मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं करती तो हाय राम मैं क्या करूँगी, मैं उनको नहीं बता सकती। ठीक है, तो पेरेंट्स को अपनी बेटियों को ये बोलना चाहिए कि तुम्हें किसी के लिए, मतलब तुम्हें किसी की तरफ, किसी की शक्ल देखने की जरूरत नहीं है, यू कैन टेक योर ओन डिसीजन इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग विद यू। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से भी यही कहना है, बट मतलब ठीक है, अब जब तक आपको लगे कि नहीं ये अंडर लिमिट्स है, तब तक आप चीज़ों को संभालने की कोशिश करें, बट आपको लगे कि अगर ये लिमिट से बाहर जा रहा है, आपकी टॉलरेंस से बाहर है, देन आपको इंडिविजुअली खुद के लिए लड़ना आना चाहिए। अब देखो, टाइप ऑफ फेमिनिज्म थ्योरी में मैंने यही बताया कि सबसे पहली चीज़ क्या होती है, समाज में इनइक्वलिटी होती है मैन एंड वुमेन के बीच में, जिसकी वजह से ये क्या है, ये एक चीज़ यूनिवर्सल है, हर सोसाइटी में है, और ये इनइक्वलिटी की मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर्म है। यस एग्जैक्टली। देखो, सिर्फ किचन का काम सिखाने से कुछ नहीं होता, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो मास्टर शेफ होते हैं, बट या बहुत अच्छे अच्छे होटल्स चलाते हैं, नो डाउट वो किचन में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो भी एक्सप्लॉयट करते हैं। सिर्फ किचन के काम से कुछ नहीं होता। हाँ, किचन के काम की जगह आप एक टर्म यूज कर सकते हैं, इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरीथिंग, नॉट ओनली किचन। मतलब लड़कियों को सिर्फ आप पहले बोलते थे कि लड़कियां किचन का ही काम करती हैं, तो अब हम लोग ये सोचते हैं कि अगर लड़के भी किचन का काम करेंगे तो फिर विमेन का बहुत सारी जगह एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। वो चीज गलत है। अगर किसी के पति को खाना बनाने में इंटरेस्ट है, या अगर किसी का पति शेफ है, तो क्या वो अपनी वाइफ को नहीं पीट सकता? क्या सिर्फ एक शेफ होना या एक अच्छा कुक होना या फिर एक अच्छा रसोईया होना या किचन में इंटरेस्ट लेना, किचन के काम को शेयर करना ही आपका खत्म कर देगा एक्सप्लॉयटेशन को? नहीं, आप उसकी जगह यूज कर सकते हो टर्म इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, शेयरिंग इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटीज विद ग्रेस एंड रेस्पेक्ट। पापा की परी होती हैं बेटियां और बेटे क्या होते हैं, पापा के कबूतर। चलो चलो, अब हम बहुत हट रहे हैं टॉपिक से। तो बेसिकली जेंडर नॉर्म्स क्या होते हैं, मतलब सोसाइटी में
दो चीजें हैं, पहली है इनइक्वालिटी, दूसरा क्या है जेंडर के जो रूल्स बनाए हुए हैं सोसाइटी ने, सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, इनको बायोलॉजिकली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बायोलॉजिकली तो हमने कल बताया था कि सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो आप, लेकिन जेंडर नॉर्म्स जो होते हैं वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, इसीलिए इन जेंडर नॉर्म्स को आप चेंज कर सकते हो। तो सोसाइटी में जब सोशल चेंज होगा, या जैसे कि आज की डेट में हो भी रहा है, तो वो ये जेंडर नॉर्म्स में चेंज हो रहा है। पैट्रियार्की इज द मेन कॉज ऑफ जेंडर इक्वेलिटी इनइक्वेलिटी, तो ये जेंडर इनइक्वेलिटी का मेन कॉज क्या है, पैट्रियार्की है। फेमिनिज्म इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट, फेमिनिज्म क्या है मतलब बेसिकली पैट्रियार्की में क्या होता है, पैट्रियार्की आपको बताती है कि विमेन ऑलवेज सबॉर्डिनेट द मैन बिकॉज मैन हैव द मोर पावर, ठीक है। तो इनइक्वेलिटी आ गई क्योंकि विमेन का काम क्या है, पति को सपोर्ट करना, भाई को सपोर्ट करना, पिता को सपोर्ट करना, ये सारी चीजें। तो फेमिनिज्म इज ए पॉलिटिकल मूवमेंट इज एग्जिस्ट टू रेक्टिफाई सेक्सुअल इनइक्वेलिटीज, जेंडर इक्वेलिटी इनइक्वेलिटीज, ऑल्दो स्ट्रेटजीज फॉर सोशल चेंज वेरी इनॉर्मसली, ठीक है। तो जो स्ट्रेटजीज आई सोशल चेंज में वो बहुत जल्दी से आई, लेकिन ये क्या फेमिनिज्म क्या है, एक बहुत ही पुराना पॉलिटिकल मूवमेंट चला आ रहा है अराउंड 1920, ठीक है, उससे भी पहले से 1848 से समथिंग। सो देयर आर फोर टाइप, रेडिकल, मार्क्सिस्ट, लिबरल और डिफरेंस, ठीक है। भैया मेजोरिटी यूजुअली क्या ऑलवेज एक्सप्लॉइट्स माइनॉरिटी, ठीक है। तो देखो रेडिकल फेमिनिज्म में क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि रेडिकल में क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ विमेन बताया गया है। रेडिकल वाले क्या बोलते हैं कि मैन जो है, रेडिकल फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट ब्लेम करते हैं मैन को कि मैन क्या है, एक्सप्लॉइट कर रहा है विमेन को। इट इज प्राइमरली मैन, आदमी ही होते हैं हु हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम द सबॉर्डिनेशन ऑफ विमेन, ठीक है। विमेन जिनको सबॉर्डिनेट करके उनका बेनिफिट करती हैं, तो बेनिफिट किसका होता है, मैन का। और विमेन कौन है, एक ऑप्रेस्ड ग्रुप है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, विमेन्स की इस दशा की हालत की जो एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट जिम्मेदार लोग है ना, वो मैन के साथ साथ खुद विमेन ही हैं। वो विमेन जो कभी सास होती है, वो विमेन जो कभी जिठानी होती है, वो विमेन जो कभी खुद माँ होती है और अपनी बेटी को ये बोलती है कि भाई से बराबरी नहीं करना, या पापा के आगे जवान नहीं लड़ाना, या तुम ऐसा करोगी तो पापा की इज्जत का क्या होगा, तुम ससुराल की बातों को यहाँ बोलोगी तो हमारी इज्जत चली जाएगी। तो ये कौन सिखाता है एक लड़की को, ये कभी आप देखोगे नॉर्मली ये पापा या भाई कभी नहीं बोलते, ठीक है, रोज रोज नहीं बोलेंगे। जो आपकी मम्मी होगी ना, वो सबसे ज्यादा ये चीज बोलती है। सो सोसाइटी इज पैट्रियार्कल, इट इज डोमिनेटेड एंड रूल्ड बाय मैन। अनुपमा, राइट, सोनी टीवी पे एक सीरियल आता है अनुपमा, और मुझे वो सीरियल देख के इतनी गुस्सा आती है, मैंने उसके चार पांच छह एपिसोड्स देखे थे। उसके बाद मेरे घर में मेरी दादी सास हैं, उनको वो अच्छा लगने लगा, क्यों, क्योंकि वो एक आइडियल बहू वाला अवतार है ना, तो वो दादियों को तो वही पसंद आता है। मुझे वो इतना हेट होती है उस सीरियल से, बहुत ज्यादा। वाओ रीना, वेरी गुड, आपने जो एग्जाम्पल दिया आपने गांव का, बहुत अच्छा। हाँ शायद हॉटस्टार पे आते हैं। अरे बस करो, यहाँ पे हम टीवी सीरियल नहीं, यहाँ पे हम टीवी सीरियल नहीं देख रहे हैं, ठीक है। सो रेप, वायलेंस एंड पोर्नोग्राफी आर मेथड्स थ्रू विच मैन हैव सिक्योर्ड एंड मेंटेन्ड देयर पावर ओवर विमेन, समझ रहे हो। वायलेंस फिजिकल भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, रेप आप सबको पता ही है, पोर्नोग्राफी आप सबको पता ही है, ये वो सारी चीजें हैं जहां पर एक मेल जो है वो डोमिनेट कर देता है और खुद को सिक्योर और मेंटेन्ड फील करता है ओवर विमेन, ठीक है। ये किसने बोला था, एंड्रिया डॉर्किन ने। सो रेडिकल फेमिनिस्ट हैव ऑफन बीन एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन सेटिंग अप एंड रनिंग रिफ्यूजीज फॉर विमेन, ठीक है। रेडिकल फेमिनिज्म ने, फेमिनिस्ट लोगों ने काफी सारा काम किया है, एक्टिवली एक तो इन्वॉल्व रहे हैं, और जो विमेन्स के लिए रिफ्यूजी सेंटर इन्होंने काफी बनाए हैं, जो औरतें अपने घर से भाग जाती हैं, या जो औरतें मतलब इन सारी सिचुएशन से ये लोग उनको निकाल के लाते हैं, या फिर जो विक्टिम होती हैं मेल वायलेंस की, ठीक है।
सो रोजमेरी टॉन्ग काफी ज्यादा फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, फीमेल सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने डिस्टिंग्विश किया था दो ग्रुप्स को। पहला ग्रुप बोलता है रेडिकल लिबरेटेरियन लिबर्टेरियन फेमिनिज्म। रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि इट इज पॉसिबल एंड डिजायरेबल फॉर जेंडर डिफरेंसेस टू बी इरेडिकेटेड। ठीक है, जरूरी है कि आप ये जेंडर डिफरेंस को हटाओ, और ये पॉसिबल भी है और इसकी जरूरत भी है, और एट लार्ज एटलीस्ट ग्रेटली रिड्यूस। अगर आप बिल्कुल ही इरेडिकेट नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट उसको काफी हद तक कम कर दो, ग्रेटली रिड्यूस करो। एंड एम फॉर अ स्टेट ऑफ एंड्रोजिनी इन विच मैन एंड वुमेन आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। और एक स्टेट आपका एम होना चाहिए, फेमिनिज्म फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट का एक एम होना चाहिए कि, और हमारी एक सोसाइटी का एक एम होना चाहिए कि हम एक एंड्रोजेनी की स्टेट क्रिएट करें सोसाइटी में, जहां मैन इज इक्वल्स टू वुमेन हो या वुमेन इज इक्वल्स टू मैन हो। ठीक है, आपस में डिफरेंट ना हो। हाँ मतलब बहुत होता है, लेकिन आजकल तो ना ये चीज़ बहुत कम है। मतलब लाइक आए मतलब मेरे साथ तो ये सारी सिचुएशंस लकीली टच वुड ये फेमिनिज्म वाला कुछ भी मेरे साथ मेरे फैमिली में तो अभी तक नहीं है, और वी इक्वल रेस्पेक्ट ईच अदर। सो अकॉर्डिंग टू रोजमेरी टॉन्ग, मतलब एक तो इन्होंने ये वाला थॉट दिया था कि डिजायरेबल है क्या है, डिजायरेबल और ये पॉसिबल भी है और डिजायरेबल भी है कि आपका जेंडर डिफरेंस कम हो, ख़त्म हो जाए, और ख़त्म नहीं हो तो एटलीस्ट आप उसको मिनिमाइज कर दो, और एक स्टेट क्रिएट करो जहाँ पे मेंस आर इक्वल्स टू मैन आर इक्वल्स टू बी वेमेन हो। दूसरा रेडिकल कल्चरल फेमिनिस्ट क्या कहते हैं, ये बिलीव करते हैं सुपीरियरिटी ऑफ द फेमिनाइन। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि एक एक थॉट कहती है कि दोनों इक्वल होंगे, एम इज इक्वल्स टू डब्ल्यू होगा। दूसरा कह रहा है कि एफ को ग्रेटर होना चाहिए एम से, मतलब फीमेल को ग्रेटर होना चाहिए मैन से। सो अकॉर्डिंग टू रोज मेरी टॉन्ग, रेडिकल कल्चरल फेमिनिस्ट सेलिब्रेट कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद द फेमिनिटी। ठीक है, फेमिनिटी के कैरेक्टरिस्टिक को सेलिब्रेट करते हैं रेडिकल कल्चरल फेमिनिस्ट वाले जो हैं, जैसे कि इमोशन आपका एक क्या है, मतलब फीमेल्स में इमोशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मेजोरिटी ऑफ फीमेल्स में देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ फीमेल्स में इमोशन ज़्यादा होते हैं, और जैसे कि मेजोरिटी ऑफ मेल्स में जैसे मैस्कुलिनिटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हायरार्की होगी वहाँ पर, पिता उसके पिता उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा। और फीमेल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, फीमेल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है उनका इमोशन। जैसे आप बोलते हो ना कि फीमेल्स के अंदर ना ममता इनबिल्ट होती है, जैसे कि अगर आपकी बड़ी बहन है और अगर आपकी 4 साल की बहन है, ठीक है, और उस मतलब 4 साल की एक बच्ची है जिस घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, चाहे वो बहन है चाहे वो उसका भाई है, उसके अंदर ना उस बच्चे के लिए अलग ही ममता होगी। लेकिन वहीं पर अगर एक 4 साल का लड़का होगा और उसकी कोई बहन या भाई होगा तो वो उसे का वो मतलब एक लेवल कम ही होगा, वो ममता वाला लेवल कम ही होगा। ठीक है, सो द वेरियस अल्टरनेटिव सजेस्टेड बाय रेडिकल फेमिनिस्ट इंक्लूड सेपरेटिज्म का एक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि विमेन ओनली कम्यून्स एंड मैट्रिफोकल हाउसहोल्ड। ठीक है, कि विमेन्स को ही क्या है हाउसहोल्ड को पूरा चलाना चाहिए, सेपरेटिज्म का एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। सम ऑल्सो प्रैक्टिस पॉलिटिकल लेस्बियनिज्म। ठीक है, लेस्बियन सोसाइटी पे भी काफी ज्यादा फेमिनिज्म को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं चली हैं। पॉलिटिकल सेलिबेसी, पॉलिटिकल लेस्बियनिज्म एंड पॉलिटिकल सेलिबेसी। सेलिबेसी में क्या होता है, लेस्बियनिज्म में मतलब जरूरी नहीं है कि भाई अगर आपकी बेटी जो है किसी और बेटी को मतलब किसी और की बेटी को प्यार करती है या उसके साथ रहना चाहती है तो वो भी अंडर फेमिनिज्म आपको सपोर्ट करना चाहिए उसको। और सेलिबेसी की अगर आपकी बेटी शादी नहीं भी करना चाहती है एज अ सेलिबेट, मतलब सेलिबेसी वाली लाइफ जीना चाहती है तो भी आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्यों भाई, ये जब आप एक लड़के को नहीं बोल सकते, अगर एक लड़का बोल दे कि मैं तो संत महात्मा बनूंगा मैं शादी नहीं करता, ठीक है, और वो घर छोड़ के चला जाता है संत महात्मा बन जाता है, तो एक टाइम के बाद उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन अगर आपकी लड़की वहीं पर कहे कि मैं साध्वी बनना चाहते हूँ और मैं शादी नहीं करना चाहते हूँ तो तहलका हो जाएगा घर में जबरदस्ती, मतलब अगले 2 महीने में उसके लिए लड़का ढूंढ के उसकी शादी करा देंगे। तो बेसिकली पॉलिटिकल लेस्बियनिज्म को भी सपोर्ट करना चाहिए, पॉलिटिकली सेलिबेसी को भी सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप को भी देखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप देखना चाहिए।
अरे मैं सोशियोलॉजी की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ बायोस। हाँ तो कैपिटल मार्क्सिज्म क्या कहता है? मार्क्सिज्म आपका ये कहता है कि कैपिटलिज्म रादर देन पैट्रियार्की, कि मार्क्सिज्म फेमिनिस्ट कहते हैं कि भाई समाज में मतलब जो इनइक्वेलिटी है वो पैट्रियार्की की वजह से नहीं है, वो कैपिटलिज्म की वजह से है। मार्क्स का तो यही यही कहना है कि हर जगह पे आपको एक आपकी कैपिटलिस्ट क्लास होगी, एक आपकी वर्किंग क्लास होगी। तो कैपिटलिज्म रादर देन पैट्रियार्की इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वेमेन्स ऑपरेशन एंड कैपिटलिस्ट एज द मेन बेनिफिशरीज। तो अब यहाँ पर मेन बेनिफिशियरी कौन है? वो आपका मेल नहीं है, हस्बैंड नहीं है, वो कौन है? आपका कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है सब उसको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। वेमेन्स क्या करती हैं? सबॉर्डिनेट करती हैं बहुत सारे रोल्स को, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको कैपिटलिज्म में प्रोवाइड कराती हैं। वेमेन रिप्रोड्यूस करती हैं लेबर फोर्स को। इस चीज इस तरीके से देखो कि एक औरत क्या कर रही है, जब एक बच्चे को जन्म दे रही है, अगर वो लड़का है या लड़की है जो भी है, वो आगे जाकर अगर वर्किंग क्लास का है तो वर्किंग क्लास ही बनेगा आगे जाकर, ठीक है। तो वेमेन क्या कर रही है? रिप्रोड्यूस कर रही है लेबर फोर्स को, ठीक है, फॉर फ्री, ठीक है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिए फ्री में क्या है? वो बच्चे पैदा कर करके लेबर फोर्स बढ़ा रहे हैं। सो सोशलाइजेशन क्या है? फ्री में किया जा रहा है, फ्री में आपकी क्या है, चैरिटी करी जा रही है वीमेन्स के द्वारा, ठीक है। वीमेन्स क्या है? इस तरीके से सबॉर्डिनेट कर रही है। या आश्रम, आश्रम में, ठीक है। सो विमेन एब्जॉर्ब एंगर। अगर घर में कोई गुस्सा दिखाता है लड़की के ऊपर, बहन के ऊपर, बेटी के ऊपर, बहू के ऊपर, पत्नी के ऊपर, माँ के ऊपर, ठीक है, चाहे वो बेटा हो, पति हो, भाई हो, कोई भी हो, तो विमेन क्या है? उसको वो गुस्से वाला घूंट पी के चुप हो जाती है। विमेन कीप हस्बैंड गोइंग। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस में क्या हुआ, पहले क्या होता था कि आपका जो पति है वो कहीं ऑफिस में काम कर रहा है, वहां पर उसको किसी ने इंसल्ट किया, वो घर पे आके आपको सुनाएगा या आपके ऊपर अपनी भड़ास निकाल देगा, आप उस भड़ास को सुन के चुप हो जाओगे और अगले दिन फिर से क्या है, वो आपका ऑफिस चला जाएगा। लॉकडाउन हुआ तो घर से काम होने लगा, ठीक है, घर से काम होने लगा, फीमेल्स भी वर्किंग है, जो स्कूल में भी पढ़ाती थी अब वो भी ऑनलाइन पढ़ा रही है, चाहे सैलरी कम हो या आधी कट गई हो, जो भी हो, अब क्या है, अब फीमेल को घर में भी काम करना है और फीमेल को घर भी देखना है। बाई भी नहीं आ रही है, ठीक है, जिनकी भाई पहले आती थी, हाउस हेल्प जो है वो पहले आती थी, अब वो नहीं आ रही है, हाउस हेल्प नहीं है, मेड नहीं है, तो अब विमेन को घर का काम भी करना है, ठीक है, हाउस वर्क भी करना है, प्लस अपना ऑफिस का काम भी करना है या स्कूल का भी करना है, ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है, प्लस हस्बैंड भी घर में काम कर रहा है। अब अगर हस्बैंड की घर में बेइज्जती हो, मतलब अगर हस्बैंड की ऑफिस में बेइज्जती हो जाती है तो ऑनलाइन बेइज्जती हो रही है, वो हो सकता है विमेन भी सुन ले। अब वो क्या है, विमेन पे भड़ास निकालेगा, भड़ास निकालेगा ये भी सुनेगी, ठीक है। तो एक जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि डोमेस्टिक वायलेंस क्यों बढ़ रहे हैं, अब क्या है, इसकी भी भड़ास निकलेगी क्योंकि ये भी ऑफिस का काम कर रही है घर पे और ये घर का भी काम देख रही है, और वो सिर्फ घर पे है और घर का काम भी नहीं कर रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो क्या है कि पहले विमेन्स क्या करती थी, अब ये अगर मतलब विमेन्स का जो मेन काम क्या है कि हस्बैंड को गोइंग रखना, गोइंग इन द सेंस कि अपनी लाइफ में वो इन्वॉल्व रहे, जॉब अगर कर रहा है तो जॉब करता रहे, अगर कोई भड़ास निकालनी है निकाल दे, उनका काम है सुनना, चुप हो जाना, खत्म करना, ठीक है। हाँ आजकल उल्टा भी हो रहा है रीना। सो बिकॉज द हस्बैंड हैज टू सपोर्ट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ही इज मोर डिपेंडेंट ऑन हिज जॉब, ठीक है। क्यों? अब होता क्या है सोसाइटी में, नॉर्मली क्या होता है, मतलब नॉर्मली अब अगर वर्किंग वुमेन्स को सेक्टर, वर्किंग वुमेन्स की एक क्लास को हटा दिया जाए कि सोसाइटी में हस्बैंड का क्या रोल होता है कि उन्हें अपने बीवी बच्चों का पेट भरना है, ठीक है, यही बोला जाता है कि बीवी बच्चों का पेट भरना है, तो ही हैज टू सपोर्ट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, सो ही इज मोर डिपेंडेंट ऑन हिज जॉब। एक बार हो सकता है कि वाइफ की अगर जॉब में कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई या कुछ हो गया तो हस्बैंड बोल देगा छोड़ दे तू, ठीक है, छोड़ दो तुम जॉब, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी जॉब करने की। लेकिन अगर वही चीज़ अगर हस्बैंड की ऑफिस में होगी तो हस्बैंड 10 तरीके की चीज़ें सोचेगा, भाई EMI भरनी है, बिल भरना है, बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, ये करना है, वो करना है, तो उसकी डिपेंडेंसी जॉब पर ज़्यादा हो जाती है और इस वजह से क्या है कि ही डिमांड्स लेस वेजेस, ठीक है, ही इज लाइकली टू डिमांड वेजेस, वेज इंक्रीज, सॉरी, अब क्या है कि उसका क्या है, वेज डिमांड बढ़ जाता है, सॉरी क्या बोल रहे हो मैं, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी जॉब पर ज्यादा है, अगर उसकी जॉब चली गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसी वजह से क्या होता है, लेस लाइकली टू डिमांड,
इस वजह से वो डिमांड बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करता। क्यों? अगर डिमांड के लिए मुंह खोला और सामने वाले ने बोल दिया कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ, इतने पैसे में हम किसी और को रख सकते हैं, तो उसमें तो उसकी जॉब ही चली जाएगी। तो इसलिए जो वर्किंग क्लास होती है वो वेज इंक्रीज करने के लिए नहीं इतना फोर्स करती। तो जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर ऑल्सो परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग, दैट इज इट टीचेस द आइडिया दैट कैपिटलिस्ट क्लास रिक्वायर फॉर देयर फ्यूचर वर्कर टू बी पैसिव। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट क्लास क्या चाहती है कि भाई उनके फ्यूचर वर्कर जो है तैयार रहें। तो इसी वजह से क्या है, विमेंस का काफी ज्यादा रोल है, सोशलाइजेशन इज डन फ्रॉम फ्री, क्योंकि विमेन क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं लेबर फोर्स को। और अगर विमेन, आपने बहुत सारी फीमेल्स को ऐसे भी देखा होगा, कोई बिल्डिंग बन रही है और वहां पर कोई एक औरत काम कर रही है जो ईंटे वीटे भी उठा रही है, एंड ऑल्दो शी इज प्रेग्नेंट ऑल्सो, ठीक है, वो प्रेग्नेंट भी है और फिर भी वहां पर काम कर रही है, तो वो लेबर फोर्स को भी प्रोड्यूस कर रही है और वो खुद भी, तो एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा है, फिर रात को उसी का हस्बैंड उसको मारता है। तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कोई मजदूर महिला है तो वो जाकर रात को दो पौए चढ़ा के और अपने पति को पीट रही है, ऐसा तो बहुत ही कम सुना होगा, रेयरली सुना होगा आपने। बेसिकली यही होता है कि मजदूर पति है, मजदूर बीवी है, तो मजदूर पति जो है वो अगर सैलरी मिली, पैसे मिले, दिहाड़ी मिली, कुछ भी मिला, दो पैक चढ़ा के और घर में वायलेंस हो रहा है। तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन, थैंक यू निधि, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा है, फीमेल्स का। सो द डिसएडवांटेज्ड पोजीशन ऑफ वुमेन इज सीन टू बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इमरजेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड देयर लैक ऑफ ओनरशिप इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कि ये जो डिसएडवांटेज्ड पोजीशन है वुमेन्स की, वो क्यों हुई कि एक तो आपका कैपिटलिस्ट क्लास का राइज हो गया, राइज ऑफ कैपिटलिज्म हो गया। राइज ऑफ कैपिटलिज्म कैसे होगा, जब आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ेगी, प्राइवेट ओनर्स बढ़ेंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ओनर्स होंगे तो कैपिटलिज्म तो होगा नहीं। तो क्या है कि जब आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का इमरजेंस होगा, दैट इज आपका राइज ऑफ कैपिटलिज्म होगा, तो क्या है, आपकी ये डिसएडवांटेज पोजीशन और ज्यादा बढ़ जाएगी और लैक ऑफ ऑनरशिप जो है इंसान का वो खत्म हो जाएगा। मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, कैपिटलिज्म में क्या होता है कि इंसान अपने ही प्रोडक्ट से एलिनेट हो जाता है, क्योंकि उसके जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो खरीद लेती है, तो अपने ही ओनरशिप को खत्म कर देगा। तो इसकी वजह से क्या है, डिसएडवांटेज पोजीशन आ जाएगी। जो लेडीज गांव में पहले दैट एक डंडी आती है, एक 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 स्टिक होती है, वुडन स्टिक होती है, जो आपकी बांस की होती है ना, बैम्बू स्टिक जो होती है, सो बैम्बू स्टिक से आपके काफी सारी बास्केट्स बनती हैं और काफी सारे आपके फुटमैट्स बनते हैं। मतलब मैं अगर आप लोगों को पता हो तो उसको सरकंडा बोलते हैं। ठीक है, बहुत चिकनी सी डंडी होती है। सो मतलब हमारे यहाँ पे उसको यूपी और इस एरिया में अगर आप देखोगे तो उसको सरकंडे की डंडी बोला जाता है, बैम्बू स्टिक टाइप होती है वो। सो आप उसके बहुत सारे प्रोडक्ट, अगर वो, अब देखो अगर क्या है, अब अगर फीमेल उसको अपने यूज के लिए बना रही है, ठीक है, तो क्या है, उस पर उनकी ओनरशिप है, उन्होंने बनाया, अपने घर में यूज किया। लेकिन अगर उसी उनकी, अगर कोई आपको लग रहा है कि इस गांव में 100 लेडीज ऐसी हैं जो ये काम करती हैं, तो आपने क्या किया, वहां पर एक छोटा सा हब खोल दिया, जैसे कि देहरादून में एक हथकरघा करके वो है, ठीक है, मैंने तो इंस्टाग्राम पे देखा था। और बहुत सारे लोग हैं जो आजकल क्या है कि मतलब बैक टू द नेचर की तरफ चल के क्या कर रहे हैं, बैम्बू स्टिक से काफी सारी चीज बना रहे। तो आप अर्बन सोसाइटी जाके नहीं बना रही है, वो गांव वाले लोगों से ही बनवा रहे हैं और उस पर अपनी प्राइस टैग या अपना ब्रांड वैल्यू लगाकर उसको बहुत बहुत ज्यादा कॉस्टली बेच रहे हैं। तो होता क्या है कि उनकी ओनरशिप उनसे खत्म हो गई और अब वहां पर एक ब्रांड टैग लग गया, 200 रुपए की चीज जो एक लेडी अपने घर में अपने यूज के लिए बनाती थी, अब उस पर 2000 रुपए का टैग लग के वो ऑनलाइन साइट्स पे बेची जा रही है वो सारी चीजें। हाँ ओहो, ठीक है, सो सो दे आर मोर सेंसिटिव टू डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन हु बिलोंग टू द रूलिंग क्लास एंड प्रोलेटेरियन फैमिलीज। तो जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। क्यों, किसके प्रति, कि एक तो उनके लिए क्या है, एक तो है रूलिंग क्लास और दूसरा है क्या है, प्रोलेटेरियन फैमिलीज हैं। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट क्या किस चीज में बिलीव रखते हैं कि देयर इज अ कंसीडरेबल स्कोप ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन वर्किंग क्लास वुमेन एंड मैन। अगर वर्किंग क्लास के मैन और वुमेन आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ में काम करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे, तो इस कोऑपरेशन से क्या है, बहुत सारी चीजें स्तर सुधर जाएगा। तो जो
एक्सप्लॉयटेशन जो है वो आपका वर्क प्लेस पे भी हो रहा था प्लस घर में भी हो रहा था, ठीक है। तो अब अगर घर में अगर कॉपरेशन करोगे तो अब जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो मैन के लिए और विमेन के लिए दोनों बराबर होगा एट वर्क प्लेस, ठीक है, दोनों के लिए ही बराबर होगा वो, ठीक है। तो मैन का भी हो रहा है, अब कैपिटलिस्ट क्लास ऐसा तो नहीं है मैन को छोड़ देगी जो वर्किंग क्लास का है। सो इन कम्युनिस्ट सोसाइटी मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट बिलीव दैट द जेंडर इक्वालिटीज विल डिसअपीयर, कि अगर आप कम्युनिज्म की तरफ बढ़ोगे, मार्क्स क्या क्या कह रहा था, रिवॉल्यूशन कर दो और कम्युनिज्म की तरफ बढ़ जाओ, ठीक है। कम्युनिस्ट सोसाइटी अगर आप डेवलप करते हो तो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट बोलते हैं कि फिर क्या होगा, आपकी ये जो जेंडर डिसइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी अगर आप कम्युनिज्म की तरफ बढ़ जाओगे तो। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मेंस आर लैकिंग इन इमोशंस, बट इट्स देयर कल्चर कि उनकी माँ उनके पिताजी उन्हें किस तरीके की परवरिश दे रहे हैं। माय हस्बैंड इज सो मच इमोशनल बिकॉज उनकी मदर ने उनको इतना ज्यादा, मतलब उनको फीमेल्स की इम्पोर्टेंस और उनकी रिस्पेक्ट करनी सिखाई है और सिखाई है, दैट्स व्हाई ही इज सो इमोशनल अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स, नॉट ओनली मैन, नॉट ओनली फीमेल, नॉट ओनली चिल्ड्रन, एज अ ह्यूमन बीइंग आप लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। माँ बाप ही बच्चों को नहीं सिखाएंगे, अगर माँ ही बच्चे में बचपन में ये भेदभाव करेगी कि लड़के को एक ग्लास दूध दे रही है और लड़की को नहीं दे रही क्योंकि दूध एक ही ग्लास है, तो वो बच्चा हमेशा से यही देखेगा कि मुझे पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, मेरी वाइफ को या मेरी बेटी को या मेरी बहन को सेकेंड प्रायोरिटी पे रखा जाना चाहिए, मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो ये चीज आपकी परवरिश और आपके फैमिली कल्चर से डिपेंड करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका लिबरल फेमिनिज्म, इसमें मैंने आपको बताया ही था कि नोबडी बेनिफिट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग इक्वालिटी, सॉरी इनइक्वालिटी, अगर इनइक्वालिटी होंगी तो किसी का भी फायदा नहीं है, मैन और वेमेन दोनों का ही नुकसान है इसमें। एक्सप्लेनेशन फॉर जेंडर इनइक्वालिटी कहाँ पर लाई करती है, लिबरल्स के हिसाब से लाइज नॉट सो मच इन स्ट्रक्चर, ठीक है, किसमें लाई करती है, कल्चर में और वैल्यूज में, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले ही बताया था। सो सोशलाइजेशन इनटू जेंडर रोल्स हैज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजिड इनफ्लेक्सिबल एक्सपेक्टेशन ऑफ मैन एंड वुमेन, ठीक है। तो जेंडर रोल्स जो हमने निर्धारित किए हुए हैं कि लड़की का काम ये है और लड़के का काम ये है, पति का काम ये है और पत्नी का काम ये है, पिता का काम ये है और माता का काम ये है, तो जो हमने सोसाइटी में एक जेंडर रोल्स निर्धारित किए हुए हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि औरतों और आदमियों के बीच में एक रिजिड और इनफ्लेक्सिबल एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। हर किसी की एक्सपेक्टेशन पहले से ही निर्धारित है तो वो क्या है, रिजिड हो गई है, उनमें कहीं पर भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि अगर आज चलो मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आज खाना तुम बना लो या बच्चों को स्कूल के लिए तुम तैयार कर दो या आज पोंछा तुम लगा दो, मैं झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है। तो यहाँ क्या है कि अगर आपके जेंडर रोल्स पहले से ही निर्धारित है आपके परिवार में कि बेटा है तो ये काम कैसे कर सकता है, बहू ही काम करेगी, तो वो चीज क्या है, वो गलत है। सो डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट्स वुमेन फ्रॉम हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, अभी यही जो डिस्क्रिमिनेशन है, यही जो भेदभाव परिवार के अंदर चलता है, यही जो भेदभाव समाज के अंदर है, उसकी वजह से क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं हो पाती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज रुक जाती है। सो लिबरल फेमिनिस्ट कहते हैं कि डू नॉट सीक रिवॉल्यूशनरी चेंजेस, रिवॉल्यूशन की तरफ मत जाओ, क्या होगा, सारी महिलाएं इकट्ठी होकर समाज में मोर्चा निकाल देंगी, उससे क्या हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे एक डेमोक्रेटिक वे की तरफ, आप जाएंगे एक लॉ क्रिएट करने की तरफ। तो द क्रिएशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज इज द मेन एम ऑफ लिबरल फेमिनिज्म, ठीक है। तो आपको क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, जैसे कि सेक्स डिटर्मिनेशन एक्ट, डिस्क्रिमिनेशन एक्ट है कि आपको, जैसे होता है ना कि आप सेक्स जो है आप नहीं जान सकते आजकल हॉस्पिटल्स में, ठीक है, और वहां पर लिखा भी होता है कि भ्रूण हत्या एक दंडनीय अपराध है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रोहिबिटरी एक्ट, ठीक है। तो क्या है कि पहले क्या होता था ना कि मतलब वो आपका एक सोनोग्राफी करके टेस्ट होता है तो उसमें पता चल जाता है कि बेटा है या बेटी है, मतलब जो बच्चा है, जो फीटस है वो मेल फीटस है या फीमेल फीटस है, तो फीमेल फीटस होता था तो अबॉर्शन करा देते थे। तो अब उसको मतलब डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट अगर आपने बना दिया है, अगर आपके पास लॉज में अगर आपके कानून इस तरीके के हैं तो क्या होगा,
इक्वल अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इक्वल पे एक्ट बनाओ, मतलब फीमेल को और मेल को दोनों को एक पोस्ट, अगर जिसपे मेल काम कर रहा है और अगर उसी पोस्ट पे फीमेल काम कर रही है तो इक्वल पे दो और उनको इक्वल कंडीशंस दो। लिबरल फेमिनिज्म ट्राई टू इरेडिकेट सेक्सिज्म, ठीक है, मेल और फीमेल, मेल वर्सेस फीमेल आपको हटाना है फ्रॉम द चिल्ड्रंस बुक्स एंड द मीडिया, ठीक है, बच्चों की जो बुक्स हैं वहां से ये मेल और फीमेल का जो मतलब आपने एक बनाया हुआ है कि पिताजी ये काम करते हैं, माता ये काम करती हैं, कि मतलब होता है ना, कहानियां होती है ना बचपन में कि मेरे पापा रोज सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं, मम्मी हमारे लिए अच्छा खाना बनाती है, तो यहाँ से बच्चों को बचपन से ही समझ में आ जाता है कि पापा ऑफिस जा रहे हैं और मम्मी खाना बना रही है, फिर मम्मी हमें स्कूल के लिए तैयार कर रही है, फिर जब हम घर आते हैं तो मम्मी हमें खाना देती है। हाँ, काफी जगह तो आज भी होता है, अरे वो तो मतलब उनकी तो नीरज, मतलब उनका तो ज्ञान ही बहुत अलग होता है, सो वो तो ये देख के बता देते हैं रंग गोरा हो रहा है या सांवला हो रहा है उसी हिसाब से बता देते हैं, सो वो तो फालतू की चीजें। सो लिबरल फेमिनिस्ट ट्राई टू इरेडिकेट सेक्सिज्म, ठीक है, लिबरल फेमिनिस्ट आइडिया है प्रोबेबली हैड द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स लाइफ, क्यों मोस्ट इम्पैक्ट इन्होंने क्यों डाला, क्योंकि ये बात करते हैं डेमोक्रेटिक चेंजेस की, ठीक है, डेमोक्रेटिक चेंजेस की बात करते हैं कि अगर आपके कानून व्यवस्था में ये चीजें सुधर जाएंगी तो चीजें धीरे धीरे इंप्लीमेंट भी हो जाएंगी, ठीक है, मेन स्ट्रीमिंग ये आपको बताते हैं। सो चौथा है आपका डिफरेंस फेमिनिज्म, या फिर जिसको आप बोलते हो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, चौथा टाइप ये है। सो इसमें क्या होता है कि इट डू नॉट सी विमेन एज अ सिंगल होमोजीनियस ग्रुप, ठीक है, ये क्रिटिसाइज करते हैं प्रीसीडिंग फेमिनिस्ट थ्योरीज को, जो आपकी चाहे मार्क्सिस्ट की रही हो, लिबरल की रही हो, रेडिकल की रही हो, फॉर क्लेमिंग अ फॉल्स यूनिवर्सलिटी वाइट वेस्टर्न हेटरोसेक्सुअल मिडिल क्लास, ठीक है। यहां पर क्या है बेसिकली, पोस्ट मॉडर्न में क्या है, डिफरेंस में क्या है कि आपका जो पहले की थ्योरीज थी वो एसेंशियल तो है लेकिन उनमें कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म है, ठीक है, क्रिटिसिज्म कैसे है कि उसमें क्या है, मैस्कुलिनिटी को काफी ज्यादा आपने रोल दिया है कि मेल्स का काफी रोल दिया है। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में क्या होता है कि यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड नॉलेज देखा जाता है कि अगर आप महिलाओं को, भाई आप क्या कह रहे हो कि मेल की पैट्रियार्की है, मेल का कैपिटलिज्म सिस्टम है, मेल का ये है, मेल का वो है, ठीक है, अच्छी बात है, वो सारी थ्योरीज बहुत एसेंशियल हैं, उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर वही वाली चीज है कि अगर आप अपनी बेटी को सिखाओगे इंडिपेंडेंट होना, अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाओगे, अगर आप बेटी को नॉलेज दोगे, सो वन डे शी कैन इक्वली स्टैंड विद सम गाय, एंड ये पॉलिटिक्स में भी अपॉर्चुनिटी में तो काफी जगह पावर जो है, नॉलेज जो है, ये आप उनको दो, रादर देन कि पॉलिटिक्स वगैरह में या अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आप बात कर रहे हो कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, पॉलिटिक्स ऐसी है कि यहाँ पर आपको डेमोक्रेटिक रूल्स नहीं है, लॉज नहीं है, उन सब चीजों को छोड़ो, अगर ये सब चीजें नहीं भी है तो आप अपनी बेटियों को नॉलेज दो ताकि वो उस लेवल पे खड़ी हो सके। जब हमारे संविधान में ये सारी चीजें नहीं भी थी, देर आर सो मेनी फीमेल्स जो कि सोसाइटी में आगे बढ़कर काम कर रही थी, तो जो भी फीमेल थी, जैसे आपकी जो क्या नाम है उनका, फुले फुले करके जो है, जिनके नाम के पीछे फुले है, सावित्री बाई फुले आई थिंक, ठीक है, ज्योतिभा फुले की वाइफ, तो उनके नाम पे तो बहुत बड़ा एक कॉलेज भी है शायद पुणे में, तो वो मतलब क्या है, जितनी भी उस टाइम पे फीमेल्स थी, जब हमारे यहाँ पर एक संविधान भी नहीं था, जब हमारे यहाँ पर इन सब चीजों, और उसके पहले भी, तो वो सारी वीमेन्स थी जो पढ़ी लिखी थी, ठीक है, तो अगर आप अपनी बेटियों को नॉलेज दोगे, पढ़ाओगे लिखाओगे, तो वो अपना रास्ता खुद बना लेंगी, ठीक है। जिस टाइम पे आपके पास में लॉ नहीं था, जिस टाइम के आपके पास संविधान नहीं था, उस टाइम पे भी फीमेल्स क्या है, बहुत आगे आके बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही थी, जैसे कि आपके लक्ष्मी बाई, वो भी पढ़ी लिखी थी काफी ज्यादा, ठीक है, जैसे कि रानी पद्मिनी, अगर आपने पद्मावत देखी होगी तो उनका कैरेक्टर क्या दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड, उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में पता है, उनको नॉलेज भी है, वो एक पंडित के साथ में एक उनका वाद विवाद जो क्वेश्चन आता है। सो हेलेनी साइकॉक्स का कहना है, शी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट डिसस्टेबलाइजिंग थ्योरीज, ठीक है, कि पोस्ट मॉडर्न जब आपकी मतलब थ्योरीज आप पढ़ते हो तो वहां पर ये इनका क्या है, एक बहुत बड़ी थ्योरिस्ट है, तो कहने का मतलब है कि नॉलेज होगी आपके पास तो आप क्या है, बहुत आगे तक जा सकते हो, जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीजें आपके फेवर में हो, आप मतलब आपके विपरीत भी हवाओं की दिशा है तो भी आप उड़ सकते हो, अगर आपके पास में वो जुनून, वो ताकत, वो नॉलेज है तो, ठीक है। सो ये सब है, कॉन्क्लूजन वगैरह आप पढ़ लेना, ठीक है।
चलिए आज की क्लास को इधर ही खत्म करते हैं। मैंने इसमें काफी सारी चीजें और डाली हैं, क्रिटिसिज्म में भी आपको पता चल जाएगा, और काफी काफी कुछ है यहाँ पर बोलने के लिए, लिखने के लिए आप लोगों के पास भी काफी कुछ है, लेकिन हमें उतना ज्यादा डीप में नहीं जाना। अब आप इस टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा और फिर ये देखिएगा कि कुछ छूटा तो नहीं है। अगर कुछ छूटा होगा तो मुझे बताना, मैं कराऊंगी, मैं भी देखूंगी एक बारी। और मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं छूटा है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके पेपर के लिए वो सब मैंने कवर करा दी है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल विद योर नेक्स्ट यूनिट। तो देखते हैं क्या स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और ये मैंने एक पूरा वो डाला हुआ है फ्लो चार्ट, जिसमें आपको बेसिक यहाँ पर है कि फेमिनिज्म क्या होता है, फिर फेमिनिज्म के टाइप हैं, रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, डिफरेंस एंड पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, जिनको आपको छोड़ना नहीं है किसी हालत में, वो सब यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी जितनी भी चीजें एडिशनल हैं वो आप लिख सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें वो हैं, जैसे यहाँ पर रेडिकल में हमने रोजमेरी टॉम के बारे में पढ़ा, यहाँ पे हमने सेपरेटिज्म के बारे में पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा रेडिकल में कि पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल लेस्बियनिज्म होना चाहिए, यहाँ पर हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल सेलिबेसी होनी चाहिए। तो वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर मैंने इंक्लूड करके दिखाए हुए। ठीक है, सो लिबरल में भी काफी सारी चीजें यहाँ पर है, मार्क्सिज्म में भी सारे पॉइंट्स यहाँ पर है। तो इतने पॉइंट्स में अगर आप गिन के देखोगे ना वर्ड्स, तो करीब करीब आपके 200 वर्ड्स तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको जरूर लिखना है, बाकी आप एडिशनल और भी एग्जांपल्स वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म वगैरह भी मैंने डाले हुए हैं। चलिए आज की क्लास को इधर ही खत्म करते हैं, गुड नाइट गाइस। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, कि आप जिस टाइम पे मैं आपको बताते हो आप उस टाइम पे आ जाते हो क्लास के लिए। सो थैंक यू सो मच और Take care.